बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज हम बनाने जा रहे हैं बंद गोभी और मटर की रेसिपी, वो भी मेरे स्टाइल में। बहुत ही मज़े की बनती है, आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो चलें अपनी रेसिपी को शुरू करते हैं। सबसे पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमान 100 ग्राम कुकिंग ऑयल डालेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह अपने फ्लेम को ऑन करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह फ्लेम ऑन हो चुका है। ऑयल गरम करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह ऑयल गरम हो चुका है। कटा हुआ प्याज ऐड करेंगे दरमियाने साइज पर। अपने प्याज को ब्राउन करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह प्याज हमारे ब्राउन हो चुके हैं। 1 टीस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट डालेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह 2 से 3 मिनट के लिए फ्राई करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह 2 से 3 मिनट के लिए मैंने अपने लहसुन और अदरक को फ्राई किए। अब इसमें थोड़े से बारीक कटे हुए टमाटर और थोड़ी हरी मिर्चें ऐड करेंगे। 5 मिनट के लिए फ्राई करेंगे अपने टमाटर और मिर्चों को। अल्हम्दुलिल्लाह 5 मिनट हो चुके हैं। अब जाकर नमक ऐड करेंगे। टू टेबल स्पून लाल मिर्च पाउडर, 1 टेबल स्पून हल्दी पाउडर, मिक्स करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह 5 से 7 मिनट के लिए फ्राई करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मसाला हमारा तैयार हो चुका है। अब इसमें गोभी ऐड करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह गोभी डाल चुके हैं, अब मिक्स करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह 10 मिनट हो चुके हैं। ढक्कन ढककर अल्हम्दुलिल्लाह मिक्स हो चुकी है। ढक्कन ढककर 10 से 12 मिनट के लिए पकाएंगे। 10 से 12 मिनट बाद मिलते हैं फिर। अल्हम्दुलिल्लाह 10 से 12 मिनट हो चुके हैं। अब इसमें मटर ऐड करेंगे, मिक्स करेंगे। पाँच से सात मिनट के लिए फ्राई करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह 2 से 3 मिनट के लिए मज़ीद पकाएंगे। ढक्कन ढककर 2 से 3 मिनट के लिए फ्लेम को हाई रखेंगे। बंद गोभी और मटर की रेसिपी बनकर तैयार हो चुकी है। रेसिपी अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। बारीक कटे हुए धनिया डालेंगे थोड़ा सा,